करने की कोशिश की और ये सलाहकारों की गलती का परिणाम है। पंकज जी ने कहा आए और मुख्य रूप से ये चार बिंदु थे, सीमा पे प्रहार, नारी पे वार, दलितों पे अत्याचार, क्योंकि चौकीदार बना भागीदार, ये चार मुख्य बिंदु थे। हम सवाल उठा रहे थे मंदसौर के किसानों के लिए, हम सवाल उठा रहे थे उत्तर प्रदेश और देश में 66% जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ा है जो दलितों के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है। हम आंकड़ा हम देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल डील के सौदा आप देश को बताइए, क्योंकि देश का पैसा खर्च हुआ था। मोदी जी को और भाजपा को यह लगता है कि उनको एक ब्लैंक चेक मिल गया है और जिस तरीके की तानाशाही वो गुजरात में करते आए हैं वो देश में कर लेंगे, पर ये देश कुर्बानी देने वाला देश है, ये देश तिरंगामय देश है। लेकिन राफेल पे तो आप ही लोग एक्सपोज हो गए ना, है जो देश के लिए राफेल पे तो आप ही लोग एक्सपोज हो गए। फ्रांस से भी बयान आ गया चाहते हैं, फ्रांस से भी बयान आ गया है कि साहब सीक्रेसी पैक्ट है, हम गोपनीयता है, हम तथ्यों को नहीं शेयर कर सकते। और बहुत सीनियर भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि UPA 1 UPA 2 मिला के 8 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, अगली बार थोड़ा सा पढ़ के जरूर आइएगा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं नकवी साहब कि आप लोग एक्सपोज हो गए, यानी आपके मुद्दे ने, आपके नेता ने जिन मुद्दों पर गंभीरता से आक्रामक होकर बात रखी, बाद में अपने आचरण से वो सारा एक तरह से गुड़ गोबर कर दिया, ये स्थिति हो गई। यानी उनके एक्ट की चर्चा ज्यादा हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव जिन महत्वपूर्ण मुद्दों और बिंदुओं पर लाए उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, ये बताइए ना। देखिए, हमारी रीत और हमारी रस्म में सबसे पहले भारतीयता है और इसमें बड़ों से गले मिलना कोई अपराध नहीं है। अरे जबरदस्ती गले मिलेंगे क्या? आज अभी तक सर बड़ों से गले मिलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बड़ा भी तो गले मिलना चाहे। उम्मीद नहीं थी कि अगर कोई नौजवान उनसे गले मिल रहा है तो वो खड़े हो जाएं। ओहो कमाल, एक शहीद का होता, अरे पता ही नहीं था कि तुरंत आकर गले मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री वो तो एक स्टंट था, आडवाणी जैसे सीनियर लीडर को वो मार्गदर्शन मंडल में डाल देते हैं और उनका नमस्कार कबूल नहीं करते हैं, ये भाजपा का सही चाल चरित्र और चेहरा। पूरी बहस को सुन रहे थे, एक मिनट नकवी जी गंभीरता से जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती किसी से गला मिला जाता है क्या, ये बताइए? जबरदस्ती किसी से गले मिला जाता है क्या? वो करने की क्या जरूरत थी इसकी? क्या मैसेज देना चाहते थे राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, हमने 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 पैगाम मोहब्बत को ये 56 इंच के सीने को ये बताया है कि गेट वेल सून। अरे तो कौन बीमार है जो गेट वेल सून होना चाहता है? कौन बीमार है भाई? वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखिए किसे गेट वेल सून कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने देश को बीमार कर दिया है। कैसे? आज की तारीख में प्रधानमंत्री के अहंकार ने देश को बीमार कर दिया है। क्या आपको पता है 165 दिन वो विदेश में काटे हैं उन्हीं ने, 355 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च करे विदेश जाकर। ओहो भाई, वो निजी यात्राएं नहीं थी, उनके जहाज के ऊपर।